हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज से हम लोग ब्लैक की ओर से एक ओपनिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले d4 अगेंस्ट खेलने की मैंने बहुत सारी ओपनिंग्स आपको बताई है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप और मूव बाय मूव उसकी पूरी सीरीज बना रहा हूँ। तो सिगोरिन डिफेंस से शुरू करते हैं पहली ओपनिंग जो है हमारी, और सिगोरिन मेरी फेवरेट ओपनिंग है। सिगोरिन डिफेंस मोरोजोविच की भी बहुत ही फेवरेट ओपनिंग थी। तो सिगोरिन डिफेंस बहुत सारे लोग जैसे d4 तो अभी कॉमन मूव हो गई है nf6 और किंग्स इंडियन या फिर d5 और सेमी स्लेव या स्लेव डिफेंस, ये सारी ओपनिंग्स जो है कॉमन ओपनिंग्स है। और अभी लेटेस्ट में मतलब ओल्ड ओपनिंग आप अब ट्राई कर सकते हो नई चेस टूर्नामेंट्स में, क्योंकि टूर्नामेंट्स में जब हम जाते हैं तो हम जब भी गेम खेलते हैं तो सामने वाला भी इतना ही प्रिपेयर्ड होता है, हमारे सामने अपोनेंट, कि हम जितने भी मूव्स का आंसर देंगे वो परफेक्ट मूव बाय मूव पूरा रट्टा मार के तैयार करके आते हैं। और हमें दिक्कत होती है ओपनिंग में इनिशिएटिव लेने के लिए, कुछ एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे हम सिगोरिन डिफेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ओल्ड ओपनिंग है और इतनी सक्सेसफुल भी है, क्योंकि मोरोजोविच जैसे प्लेयर भी खेल रहे थे सिगोरिन। और आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। सिगोरिन डिफेंस सीखने के बाद आपको d4 अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं d4 d5 के बाद जब व्हाइट प्लेयर c4 करता है, मतलब क्वींस गैम्बिट, नाम तो सबने सुना ही होगा क्वींस गैम्बिट के बारे में। तो क्वींस गैम्बिट के लिए व्हाइट जब प्रिपेयर करके c4 करता है तब आपको रिप्लाई देना है nc6, सेकंड मूव nc6। बहुत ही सरप्राइज मूव है, बहुत लोगों को ये मूव सरप्राइज करेगी। nc6 के बाद व्हाइट के पास कितने ऑप्शन है ये मैं बता दूंगा पहले आपको। व्हाइट सपोज नाइट f3 करता है तो थर्ड nf3 आप अपनी बुक बना सकते हैं कि थर्ड मूव nf3 और दो पेज या तीन पेज उसके छोड़ देना। उसके बाद आपको उसके थर्ड नाइट c3 का पेज भी बनाने हैं। थर्ड मूव व्हाइट पॉन टेक्स पॉन कर सकता है, थर्ड मूव में e3 कर सकता है। तो ये अलग अलग जितने भी वेरिएशंस है दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन मेरी पूरी सीरीज में बताऊंगा। तो सिगोरिन डिफेंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर है थर्ड नाइट f3। अब आप लिख लीजिए थर्ड nf3। दोस्तों थर्ड nf3 के सामने आपको क्या करना है, थर्ड nf3 के सामने बिशप g4 ये ब्लैक की की मूव है। और अपनी सिगोरिन की बुक में सबसे ऊपर एक नोट लिख लीजिए कि सिगोरिन डिफेंस में e5 मूव इज अ बेस्ट फॉर ब्लैक। मतलब जब भी ब्लैक को e5 चलाने का मौका मिलता है तो सिगोरिन डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो थर्ड nf3 के सामने आपको खेलना है बिशप g4। उसके बाद फोर्थ मूव, दोस्तों फोर्थ दो की मूव है व्हाइट की ओर से। नॉर्मली पॉन टेक्स पॉन ज्यादा फेमस है, लेकिन साइड लाइन में मैं बताऊंगा, पहले साइड लाइन बताऊंगा, ध्यान रखो। सेंटर मतलब जो स्ट्रॉन्ग लाइन है व्हाइट की, मेन मूव है वो है cd5 और साइड मूव है नाइट c3 और क्वीन a4। तो बिशप g4 के बाद पहले हम देखेंगे नाइट c3। नाइट c3 में आपको क्या करना है, नाइट c3 में यहां आपको रिप्लाई देना है e6, नाइट c3 देन e6। बिशप f4 व्हाइट खेल सकता है सबसे बेस्ट मूव, हर एक मूव व्हाइट की चुन चुन के ली है मैंने, सभी मूव जो भी सबसे स्ट्रांग मूव है वही। वीक मूव के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वीकनेस अगर कोई वीक मूव करता है तो आप उसका एडवांटेज उठाना अच्छी तरह से जानते होंगे। तो बिशप f4 के बाद आपको खेलना है यहाँ पे bb4, नाइट को पिन करना है। व्हाइट खेलेगा e3,
यहां आपको खेलना है नाइट f6, आफ्टर nf6 व्हाइट खेलेगा रुक c1, यहां आपको करना है शॉर्ट कैसल h3। अब h3 के सामने बिशप टेक्स नाइट, सिक्योरिंग डिफेंस में ब्लैक अपने दो नाइट लेके खेलता है, दोनों नाइट बहुत स्ट्रांग होते हैं ब्लैक की ओर से, ध्यान रखो। आफ्टर क्वीन टेक्स f3, दूसरा नाइट भी आप कैप्चर कर लो, बिशप टेक्स c3, रुक टेक्स c3 और आपका नाइट सेंट्रलाइज होगा टेम्पो के साथ नाइट e4। आफ्टर नाइट e4 रुक c1 कंपल्सरी मूव है और यहाँ पे एक सरप्राइज मूव एक्सक्लामेशन मार्क दे सकते हो आप, e5, पॉन सेंटर में ब्रेक करना और पॉन सेक्रीफाइस करना आप दोनों इसमें कर सकते हो। e5 के बाद d क्रॉस e5, आफ्टर d क्रॉस e5 क्वीन e7 और यहाँ पे a3 करेगा अगर क्वीन चेक स्टॉप करने के लिए तो क्या करोगे? क्वीन e7 का आइडिया है डबल अटैक है e5 पे और यहाँ पे क्वीन b4 चेक, तो a3 में नाइट क्रॉस e5 आपको जो दिया हुआ पॉन वापस मिलता है, बिशप क्रॉस e5 आफ्टर क्वीन क्रॉस e5 रुक c2, रुक c2 जरूरी है वरना क्वीन टेक्स b2 होता है और यहाँ d4 और पूरा सेंटर ब्लैक के हाथ में, व्हाइट ने कैसलिंग नहीं किया हुआ है और ब्लैक इस पोजीशन से आसानी से गेम जीत सकता है। दूसरा वेरिएशन बताऊंगा आपको, अब देखते हैं क्वीन a4 वाला वेरिएशन, थर्ड nf3 क्वीन a4, डायरेक्ट क्वीन a4 नहीं है, सब अलग अलग है, कई लोगों को मिक्स हो जाते हैं वेरिएशंस, ध्यान रख के आपको लिखना है। d4 d5 c4 नाइट c6 nf3 bg4 nf3 bg4 और बाद में क्वीन a4 अलग है, nf3 bg4 के अलावा डायरेक्टली क्वीन a4 का वेरिएशन अलग होगा जो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो nf3 बिशप g4 और यहाँ पे क्वीन ए फोर नाइट को पिनिंग करते हैं, कई लोग स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है बिशप टेक्स f3 और यहाँ e टेक्स f3, वाइट की ओर से लाइट स्क्वेयर बिशप। अब आपको खेलना है e6, आफ्टर c टेक्स d5, e टेक्स d5 और बिशप b5। bb5 के सामने आपको खेलना है ng e7, बिशप g5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नाइट पिन है लेकिन f6 के बाद दोनों नाइट फ्री हो जाएंगे। बिशप e3 वापस और यहां a6, बिशप d3 qd7, वाइट करेगा कैसल, यहां पे आपको g6 नाइट d2 बिशप g7 a3। a3 में आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हो, व्हाइट की इतनी मूव अच्छी नहीं है लेकिन ये नेचुरल मूव है, बहुत सारे लोग जब वेटिंग मूव करना होता है तो a3 b4 वगैरह प्लानिंग करते हैं। तो a3 के बाद आपको रिप्लाई देना है सिंपल शॉर्ट कैसल rac1 और यहाँ f5। अब ये बढ़िया पोजीशन है ब्लैक के लिए, नेक्स्ट थ्रेट है f4 की और उसका रिप्लाई देना होगा वाइट को, जिसे f4 करके कर सकता है लेकिन पूरा वीकनेस हो जाएगा यहाँ पे और ब्लैक की ओर से आप बहुत बढ़िया अटैकिंग गेम खेल सकते हो ये पोजीशन से। तो दोस्तों ये है सिगोरिन डिफेंस का चैप्टर नंबर 1।
चैप्टर नंबर वन आप अपनी बुक में स्टार्टिंग में लिख सकते हो, सिक्योर इन डिफेंस द थर्ड NF3 वेरिएशन चैप्टर वन करके या सीरीज वन करके कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी तरह तरह के सिक्योर इन डिफेंस के सारे वेरिएशन बताऊंगा। तो सभी वेरिएशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये सारे मूव बाय मूव अपने बोर्ड के ऊपर आप करके तैयार कीजिए। बहुत ही मजा आएगा ओपनिंग सीखने के बाद, जब गेम खेलने की मजा ही कुछ और है, क्योंकि आपको सारे मुंह के रिप्लाई पता है, कोई ट्रैप में आप फंसने वाले नहीं हो। इसीलिए चेस की पूरी ओपनिंग सीखनी जरूरी है। मिडल गेम और एंड गेम सबसे पहले सीखना है, उसके बाद आपको ओपनिंग सीखनी है। मिडल गेम एंड गेम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और आगे भी करता रहूँगा। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।